बीजेपी आलाकमान ने खंडूड़ी कोश्यारी और बहुगुणा को दिल्ली तलब किया है। वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी की खबरों के बीच आलाकमान बेहद चिंतित है। तो अगर मैं तीनों के नाम हम बताएं तो ये सभी राज्य में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चाहे भुवनचंद खंडूड़ी की बात करें, विजय बहुगुणा की बात करें या फिर भगत सिंह कोश्यारी की बात करें, तो शाम तक ही दिल्ली पहुंचेंगे। कोर कमेटी की बैठक में कोश्यारी शामिल नहीं हुए थे और खंडूड़ी बैठक खत्म होने से पहले ही चले गए थे। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर बड़े दिग्गज नेता हैं उनके मनमुटाव से आलाकमान चिंतित है। पंकज पवार ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पंकज, जो यहाँ पर कह सकते हैं कि आसार बन रहे थे जो बाहर से आए थे, उनमें भी पूर्व मुख्यमंत्री शामिल थे और पार्टी में पहले कई पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो सब में अब टकराव यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए, ये स्वाभाविक है। अगर कहा जाए तो जितनी भीड़ होगी, जितना ज्यादा नेता होंगे उनमें अहम का टकराव तो होगा ही। हालांकि जो तमाम नेता हैं, जो भी चाहे कोश्यारी हैं, वो भले ही कोर कमेटी की बैठक में शामिल नहीं हो, लेकिन वो बीजेपी के कार्यक्रम में पिथौरागढ़ और तमाम अन्य जगहों पर शामिल रहे। लेकिन साफ बात यह भी है कि अगर आप अन्य कार्यक्रमों में शामिल हैं तो आप कोर कमेटी में भी शामिल हो सकते थे। तो ऐसे में आलाकमान की जो बातें के पास जो बातें पहुंच रही हैं कि भाई कुछ नेता नाराज हैं, कुछ नेता किसी को तवज्जो देने से नाराज हैं, तो तमाम नेताओं को, खंडूरी, कोश्यारी और विजय बहुगुणा, तीनों को दिल्ली बुलाया गया है। खंडूरी और जो विजय बहुगुणा है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और कोश्यारी आज शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। दोनों तीनों को एकजुट रहने का निर्देश दिए जाएंगे और साफ तौर पर यह है कि अगर ये सब एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं तो काफी कुछ बीजेपी के पक्ष में भी हो सकता है, लेकिन अगर ये कहीं ना कहीं भटकते हुए नजर आएंगे तो बीजेपी को परेशानी भी हो सकती है। तो पंकज जी, कह सकते हैं कि ये इस वक्त बीजेपी की मुश्किल है कि उसके पार्टी में चेहरे ज्यादा हैं, दिग्गज ज्यादा हैं और ऐसे में ही ये मनमुटाव सामने आ रहा है। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत आपका पंकज, जानकारी के लिए।